हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसके टेक्निकल खड़का। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ आसूस ज़ेनफोन जेट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम काफ़ी अच्छी है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, फ़ोन की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। तो हर चीज़ मैं अच्छा अच्छा बता रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। फ़ोन आपको लेना है ये कि नहीं लेना है ये आप सोच सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं यह आपको बता दूँ, फ़ोन जो भी लेना है वो सोच समझ के लेना। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए पहले सब्सक्राइब का आइकन दबाइए, फिर बेल आइकन दबाइए दोस्तों। तो जिससे क्या है कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक दोनों ही आपको मिलते हैं दोस्तों, और ये तो बहुत ही ज़रूरी है आजकल। और दूसरी बात, इसमें आपको 2.5D का गोरिल्ला ग्लास मिलेगा, जो कि आपको आगे और पीछे दोनों तरफ मिलेगा। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इसमें जो स्मार्ट स्क्रीन है काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, जैसे कि ऐप और वीडियो स्क्रीन, हैंड नॉच, आप इस नॉच को मतलब ये भी कर सकते हो, हाइट भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो दोस्तों। नॉच को यूज भी कर सकते हो और हाइट भी कर सकते हो, तो दोनों फैसिलिटी आपको इसमें मिल सकती है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी के साथ आ रहा है ये। अगर इसको नॉच डिस्प्ले पसंद है तो वो नॉच के साथ इसे यूज करते जाते थे, विदाउट नॉच पसंद है तो विदाउट नॉच के साथ यूज कर सकता है दोस्तों। दोस्तों, इसमें 6.2 की फुल HD स्क्रीन मिलती है और ऑटो कलर टेम्परेचर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा स्क्रीन रेशो है। और 550 ब्राइटनेस आपको इसमें मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये फ़ोन कम प्राइस में बेहतर फीचर दे रहा है। हाँ तो दोस्तों, ये तो है कि थोड़ा बहुत कमी तो रहती है, मगर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपने बजट के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दूसरी बात, इसमें ब्लूटूथ 5.0 का मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑडियो के लिए काफ़ी बेहतर है। और डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट मिलता है दोस्तों इसमें आपको, कि जो आप इसमें दोनों जियो के सिम लगा के आप दोनों फ़ोन में चला सकते हो दोस्तों। बहुत ही अच्छा फीचर के साथ हमें डुअल 4G सपोर्ट मिलता है इसमें। और दोस्तों, इसकी स्क्रीन, जो कि मैं आपको बता, इसमें वॉल्यूम जो सिस्टम है काफ़ी स्मार्ट है, जिससे वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है माहौल के हिसाब से। तो बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों इसमें, ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि आप एडजस्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर सकते हो दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि फिंगरप्रिंट के बारे में मैंने बता ही लिया है, 0.2 सेकेंड में फिंगरप्रिंट अनलॉक दोस्तों मिलेगा, और फास्ट फेस अनलॉक भी है दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी बात मैं बता दूं कि इसके आउटपुट काफ़ी अच्छे है, जो साउंड सिस्टम है काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है दोस्तों, और हाई क्वालिटी में साउंड सिस्टम ये देता है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, ये भी इसमें काफ़ी मतलब आप इसका भी साउंड सिस्टम का भी इंजॉय ले सकते हो दोस्तों। इसमें जैसे कई सेटों में आपने देखा होगा कि साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, आउटपुट अच्छा नहीं रहता है, तो इसमें काफ़ी बेटर देन है 4X। तो दोस्तों, दूसरी बात है, आपको इसकी स्क्रीन देखिए, 90% स्क्रीन रेशियो वाला डिस्प्ले है। हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छे फीचर है। तो इसमें जो साउंड सिस्टम है, काफ़ी इंप्रेसिव साउंड सिस्टम मिलेगा दोस्तों आपको इसमें, बहुत ही अच्छा, तो बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। और दोस्तों, सबसे मेन बात, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसकी चार्जिंग सिस्टम बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है दोस्तों। तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और जो बैटरी का कंज्यूमर है वो बहुत अच्छे से यूज करता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 3300 mAh की बैटरी है इसमें, क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है, वो भी फास्ट चार्ज। और आपको जैसे कि टॉक टाइम दिख ही रहा होगा इसमें कि वीडियो में किस तरह से कि ये किस टाइम पे कितना टॉक टाइम दे सकता है दोस्तों, तो बैटरी की कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें फास्ट चार्ज आपको सपोर्ट मिलता है दोस्तों। ये बेहतरीन बातें हैं दोस्तों। मैं दूसरी बात आपको ये बता दूँ, फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा फ़ोन मिल रहा है। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप खर्चा करेंगे तो आपको इसमें भी अच्छा फ़ोन मिल सकता है, मगर दोस्तों दूसरी बात मैं बता दूँ, इसमें आपको 8 MP फ्रंट कैमरा मिलेगा और f2.0 एपर्चर के साथ आपको ये
मिलेगा कौन दोस्तों, और सपोर्ट करता है EIS दोस्तों, जो कि वाइड एंगल 83% दिखा रहा है और रियल टाइम ब्यूटी का भी फंक्शन है, जिसमें आप अपने फेस को अच्छा और बुरा दोनों बना सकते हो दोस्तों। ये तो है, मगर कैमरा तो मुझे फ्रंट कैमरा इसमें ज़्यादा बेहतर नहीं लगा। और देखिए, जो उससे आप सेल्फी खींच सकते हो, सेल्फी मतलब जो वाइड एंगल जो इसका कैमरा है वो तो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, जो आप फ्रंट कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है और मुझे वो भी ज़्यादा खास नहीं लगा दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे पता है कि कैमरे के मामले में ये थोड़ा पीछे रह गया, जैसे वन प्लस से काफ़ी पीछे रह गया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, कैमरा भी इसका ओके हम बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही लाजवाब कैमरा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं दूसरी बात आपको ये बता दूँ कि इसका जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छा है, आप उसको नॉच को हटा भी हाइड भी कर सकते हो, और कैमरा जो है वो जैसे कि मैंने बताया आपको ओके है। आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही दमदार कैमरा है दोस्तों। तो मैं आपको दूसरी बात बता दूँ कि कैमरे से जो आप वीडियो शॉट करते हो, काफ़ी मतलब जो इसका रियर कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मगर हाँ दोस्तों से अच्छा बोल सकते हो आप दोस्तों। जैसे कि आपको इसमें कैमरे में जो फीचर मिल रहे हैं, मैं आपको देख रहे होंगे कि आप ये फीचर आपको सब मिल रहे हैं, तो आप इसमें ये फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले में देख रहे होंगे कि क्या क्या फीचर आपको इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये सारे फीचर आपको इस फ़ोन में मिलेंगे, आप इसमें कैमरे में पूरे फीचर को यूज कर सकते हो दोस्तों, वो भी बेहतरीन तरीके से। और दोस्तों इसके कैमरे में जो है आपको काफ़ी अच्छा जो दिखा रहा है कैमरा, तो 1.8 एपर्चर के साथ आपको ये मिलेगा दोस्तों, और 4:OIS के साथ 1.4 पिक्सल साइज की सोनी IMX363 और कॉलम स्नैपड्रैगन 845 भी आपको मिलने वाला है दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन मिल रहा है हमें लो प्राइस में दोस्तों। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि फ़ोन आप बेहतरीन है, अच्छा है, सब चीज़ बेहतरीन, थोड़ा बहुत कमी तो हर सेट में रहती है। अगर आपको आपके बजट सेगमेंट में चलना है तो दोस्तों आप ये सेट ले सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कैमरे की क्वालिटी मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप बोल नहीं सकते कि इतना बेहतर है, मगर ये है कि कैमरे की क्वालिटी ओके है। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैमरे में आपको जो मिलने वाला है 12 मेगापिक्सल का IMX363 जो कि बहुत ही अच्छा है, और आप 1.8 एपर्चर के साथ मिलेगा, और 1.4 पिक्सल साइज आपको मिलेगा, और डुअल पिक्सल जो कि PDF और आपको OIS एंड EIS दोनों ही फैसले की मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको कलर प्रोडक्शन में के सेंसर में भी इसमें अच्छा मिलने वाला है, और ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है दोस्तों। और जैसे कि आप इसकी फ़ोटो का जो MB मेगापिक्सल है वो 48 मेगापिक्सल तक फ़ोटो सेव होती है, और जैसे कि आपको कॉलम स्नैपड्रैगन तो इसमें आपको मिलने ही वाला है। तो मैं दूसरी बात ये बता दूँ कि इसमें 2.8 GHz की चीज मिलेगी आपको, और 10 nm CPU मिलेगा, और 385 ऑक्टाकोर CPU मिलेगा, और एड्रीनो आपको 630 मिलेगा दोस्तों, और इसकी हाइस्ट 8 GB रैम तक आपको इसमें मिलने वाली है दोस्तों, और 256 GB स्टोरेज के साथ AI बूस्ट भी मिलने वाला है दोस्तों। तो मल्टी कोर के लिए ये AI इंजन है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो जैसे कि आपको ये पावरफुल, बहुत ही पावरफुल CPU है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ोन जो कि बहुत ही कम फ़ोनों में आता है। तो स्नैपड्रैगन का 845 AI इंजन के साथ ये आपको मिलता है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बात है। और इसमें आपको IMX363 सोनी का सेंसर विद 1.4 पिक्सल साइज के साथ, और इंटरनल फास्ट चार्जर भी आपको जो मिलेगा जो
परसेंट ज़्यादा है दोस्तों, और फुल HD के साथ 90% स्क्रीन रेशो के साथ ये डिस्प्ले आती है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बेहतरीन सेट है, काफ़ी अच्छा सेट है, और इसका आपको डुअल स्टोर मतलब साउंड क्वालिटी में भी ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है दोस्तों। सेट में कुछ भी कमी नहीं है, मगर कैमरे से थोड़ा कमी रह गई है इस फ़ोन में मेरे हिसाब से दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो ये फ़ोन ज़रूर लीजिए। और दोस्तों ये फ़ोन आपको 3 वेरिएंट में मिलने वाला है, तो मैं पहला वेरिएंट बता दूँ आपको, ये 30,000 में मिलेगा जो कि 6 GB रैम और 64 GB के साथ आएगा। और दूसरा वेरिएंट आएगा 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आएगा। और तीसरा जो है 8 GB रैम और 256 GB के साथ ये आपको फ़ोन मिलने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आई तो, शेयर कीजिए मेरी वीडियो दोस्तों प्लीज़। तो मैं ऐसे ही आपके बारे में टैग न्यूज भी लाता रहूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल।